Hello student, today we are going to see the last part of our lesson soil. Last period में हमने soil की information ली थी कि कौन सी जगह पे कौन सी तरीके की soil ज़्यादा देखने को मिलती है, soil के uses हमने देखे हैं. अब हमारा point है soil conservation. Considering the importance of soils, it is necessary to conserve it. हम अगर soil के importance को consider करते हैं तो soil को conserve करना, उसे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है. It is necessary to protect the fertile soil of farmlands from getting washed out due to rains. जो fertile soil होती है means जिसमें हम farming कर सकते हैं, ऐसे fertile soil जो है farmland की, उसे rain की वजह से wash होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाती है उसे होने ऐसा होने से रोकना ज़रूरी है. Soil conservation includes the works like construction of embankments and planting trees on them, construction of gully plugs against the steep slopes etc. अब यहाँ पर soil conservation करना means क्या आता है उसमें, जैसे कि embankments का construction करना soil conserve करने के लिए, फिर उसके ऊपर क्या करना है, trees की planting करना ताकि soil एक जगह पे पकड़ के रखी जा सके. construction of gully plugs against the steep slopes, जहाँ पर steep slopes होते हैं, जहाँ पर स्लिप स्टोप्स होते हैं, तो ऐसी जगह पे ग्यूली प्लग्स कंस्ट्रक्ट करना जिसकी वजह से सॉइल वहाँ से बहके ना जा सके. सच वर्क्स आर टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन के जो डिपार्टमेंट है वो ऐसा काम करते हैं. प्लांटिंग ट्रीज कैन ऑल्सो कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द विंड. ट्रीज़ को प्लांटिंग करना, इसकी वजह से विंड की जो वेलोसिटी मीन्स जो उसकी स्पीड होती है उसे भी कंट्रोल किया जाता है. दिस हेल्प्स रिड्यूसिंग द इरोशन ऑफ सॉइल बाय विंड. और इसकी वजह से क्या होता है, विंड की वजह से जो सॉइल का इरोशन होता है उसे कम कर सकते हैं. द प्लांट्स रूट्स होल्ड द सॉइल एंड दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द इरोशन ऑफ सॉइल. प्लांट्स के जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं और इसकी वजह से सॉइल का इरोशन कम होता है. अंडर सॉइल कंजर्वेशन द कंटिन्यूस काउंटर पिंचेस. सॉइल कंजर्वेशन में जो काउंटर ट्रिंचेस होते हैं आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द स्लोप्स के ऊपर ऐसे ये बनाए जाते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ट्रिंचेस एट डिफरेंट हाइट्स चेक्स द वेलोसिटी ऑफ वाटर रनिंग अलोंग द स्लोप्स एंड हेंस रिड्यूसेस सॉइल इरोशन. अब यहाँ पर जो ऐसे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं अलग अलग हाइट पर, इसकी वजह से क्या होता है, बहने वाला जो पानी है, जो वाटर होता है, उसकी वेलोसिटी चेक की जाती है स्लोप्स के ऊपर और उसकी वजह से सॉइल का इरोशन होता है. द वाटर अरेस्टेड इन दिस ट्रेंचेस पेरिकुलेट्स इनटू द ग्राउंड. सी फिगर 7.5. फिगर 7.5 में हमें बताया है ये जो यहाँ पर ट्रेंचेस बनाए जाते हैं उसमें जो पानी उसमें जो पानी रहता है वो पानी ग्राउंड वाटर ग्राउंड में चला जाता है. द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वाटर शेड कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर विच द कंस्ट्रक्टिंग embankments along slopes in rural areas, introducing CCTS along steep slopes etc. are undertaken. महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर वाटरशेड मींस कैचमेंट एरियाज को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है. उस प्रोग्राम के हिसाब से कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट्स अलोंग स्लोप्स इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में जहाँ जहाँ पर स्लोप्स है वहाँ पर एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उसके साथ साथ CCTS जो है स्टीप स्लोप जहाँ पर है वहाँ पर CCTS का इंट्रोडक्शन भी करने का काम शुरू किया गया है. दिस लेड टू द सक्सेस ऑफ द स्कीम अरेस्ट वाटर लेट इट परकोलेट. अब ये क्या है कि इसकी वजह से एक स्कीम सक्सेसफुल होती है जिस स्कीम को कहा जा सकता है अरेस्ट वाटर लेट इट परकोलेट. दिस हैज़ रिजल्टेड इन रेजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड रिड्यूसिंग द इरोशन ऑफ सॉइल. अब इस स्कीम की वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसे बढ़ाया जा रहा है और सॉइल का इरोशन कम किया जा रहा है. रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम कॉल्ड
जलयुक्त शिवार। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम जलयुक्त शिवार है। अंडर दिस स्कीम वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बर्न्स, अरेस्टिंग वाटर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स, कनेक्टिंग द स्ट्रीम्स एक्सेट्रा आर बीइंग कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। अब ये जो स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है उस स्कीम के हिसाब से कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बर्न्स, फार्म बर्न्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। छोटे जो स्मॉल स्ट्रीम्स है उससे उसका पानी एक जगह पे कलेक्ट किया जा रहा है और जो स्ट्रीम्स है उन्हें भी कनेक्ट किया जा रहा है। इट इज़ एडविजिबल टू रिड्यूस द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हमें ये भी एडविजिबल है कि जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है उसे भी कम करना पड़ेगा। इफ़ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट आर यूज रेगुलरली, इट हेल्प्स मेंटेन द पीएच। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्यूर्स जो है, वर्मी कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें रेगुलरली यूज़ किया गया तो इसकी वजह से जो सॉइल का पीएच है वो मेंटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर फिगर बताई हुई है हमें, उस फिगर में जिस तरीके से देखिए बताया है कि पानी को किस तरीके से बहने से रोका जा सकता है, बांध वगैरह वहाँ पर डाला गया है। 7.4 में अफॉरेस्टेशन बताया है, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर है वहाँ पर भी, और सीसीटी मीन्स इस तरीके से इन पिक्चर में बताया है तो इस तरीके से यहाँ पर पानी को रोकने के लिए अरेंजमेंट की जाती है। काउंटर बंडी, बैलेंस इंक्रीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस एंड रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। पीएच बैलेंस किया जाता है सॉइल का, प्रोपोर्शन ह्यूमस का उसमें बढ़ाया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को उतना ही रखा जा सकता है। कीपिंग द फार्मलैंड फॉलो फॉर सम पीरियड एंड कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फार्मलैंड को क्या करना है, सम पीरियड के लिए फॉलो रखना, मीन्स कुछ समय तक उसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करना, अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स है वो अल्टरनेटली कल्टिवेट करना, इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।